हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पार्ट 1, है ना। अभी तक अपन चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं, सो नाउ वी विल टेक चैप्टर 7। चैप्टर 7 में वी विल टेक वेरी फर्स्ट टिश्यू। इट इज़ अ, सबसे पहले अपने को इसकी डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं इसको कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। अपन कहना चाहिए कि ग्रुप ऑफ सेल्स विद सेम ओरिजिन एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, है ना। एंड स्टडी ऑफ टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। दिस चैप्टर में अपने को यही डिस्कस करना है कि टिश्यू के कैसे, मतलब अपनी बॉडी में अरेंज होते हैं, अपनी क्या ऑल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कैसे अरेंज होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में या एनिमल्स में अपन बात करें तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन आर बॉडी। वी विल डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज। यहाँ पर अपन ने यदि अकॉर्डिंग टू अपन एनसीईआरटी चलें तो जो टिश्यूज हैं इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, या अपन कह सकते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज विच आर फाउंड इन एन एनिमल। सो सबसे फर्स्ट अपन, यहाँ मैंने आपको एक फ्लो चार्ट पूरा यहाँ पर बना रखा है, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अपन ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो वेरी फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू को अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है अपन ने, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यू है इसको अगेन अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वैसे मोस्टली आप देखेंगे तो इसके आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मेनली इसको 3 पार्ट्स ही होते हैं इसके, या 3 टाइप्स ही होते हैं इसके, बट कहीं कहीं अपन देखें तो इन दोनों का जो मॉडिफिकेशन होता है कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथीलियम का, उसके बेस पर 2 टाइप्स और एक्स्ट्रा में अपने को बुक में मेंशन मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ अपन ने सिंपल एपिथीलियल टिश्यू को स्क्वेमस एपिथीलियल, क्यूबॉइडल एपिथीलियल, कॉलमनर एपिथीलियल, और यदि अपन इनके मॉडिफिकेशन की साथ में बात करें तो सीलेटेड या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, और एक और टाइप मुझे कई जगह देखने को मिला वो है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिशू। इस तरह से इनको 5 कैटेगरीज को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मेनली तो इसकी 3 कैटेगरीज अपने को मोस्टली हर जगह मिलती हैं पढ़ने को, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है अपना कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो स्ट्रेटिफाइड को अगेन क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर इन 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स में, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। तो जो कॉलमनर है इसको यहाँ पर कई में तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हैं इनकी ओनली 2 कैटेगरीज ही आपको मिलेंगी, नॉन क्रेटिनाइज्ड और क्रेटिनाइज्ड। बट कहीं कहीं पर आपको इस तरह से पूरा क्लासिफिकेशन मिलेगा कि स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। फिर उन्होंने कॉलमनर को नॉन क्रेटिनाइज्ड और क्रेटिनाइज्ड 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। कोई बात नहीं, अपन सबका ही जो है ओपिनियन से उनको लेके चल रहे हैं इसमें, इसलिए अपन ने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव ले लिया है इसको। नेक्स्ट अपने पास आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के नेम से पता चल रहा है कि ये टिश्यूज हैं जो ऑल बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इन 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। ओके, नाउ कौन कौन सी है प्रॉपर, सपोर्टिव एंड फ्लूइड। तो प्रॉपर में अपन ने लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू को लिया है, एंड सपोर्टिव में अपन ने कार्टिलेज एंड बोन्स को लिया हुआ है, एंड फ्लूइड में अपन ने ब्लड लिम्फ को यहाँ पर मेंशन किया है। ऐसे अपन वन बाय वन इन सब का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो वेरी फर्स्ट वी विल टेक एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू आर बॉडी की आउटर मोस्ट कहना चाहिए लेयर होती है, सॉफ्ट ऑर्गन
ब्लड वेसल्स में की लाइनिंग को ये फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टिश्यू, और दिस एपिथेलियम टिश्यू इज ऑफ टू टाइप, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, तो सिंपल मीन्स ऐसे टिश्यूज जो ओनली सिंगल लेयर से मिलकर बने होते हैं, और कंपाउंड मीन्स जो मल्टी लेयर्ड होते हैं, मीन्स जो मतलब एक लेयर के लिए एक और वर्ड आता है, अपनी बुक में देखा होगा आपने, स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मीन्स लेयर। सो कंपाउंड टिश्यू को कहीं कहीं पर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड टिश्यू भी कहा जाता है। हियर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इफ हम उनका जो कंपोजिशन है या बॉडी में कैसे अरेंज होते हैं इसके बेस पर अपन बात करें तो वी विल सी ये हाईली पैक्ड होते हैं, इनके ना हाईली पैक्ड होते हैं, एक्सपोज टू एयर मीन्स, और कह सकते हैं यहाँ पर इंटरनल फ्लूइड। सो इनमें नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, मतलब कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस इनमें प्रेजेंट नहीं होता। अटैच्ड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। ओके, लाइंस टू कहना चाहिए अपने को इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटीज़, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली जो इंटरनल ऑर्गन्स की जो लाइनिंग होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और जो मैकेनिकल इंजरी होती है उसके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो पैथोजेंस हैं या डिहाइड्रेशन है इसके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। ओके, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनका ये फंक्शन होता है। ओके, नाउ हियर जब हम टिश्यू की बात कर रहे हैं तो हियर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इस तरह से अपन यहाँ देखें तो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस तरह से अपन उसका डायग्राम यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये क्या है, ये एपिथेलियल सेल है, क्या बोलेंगे इनको, एपिथेलियल सेल्स, क्यों, क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू बना रही हैं, है ना, इसीलिए इनको अपन बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स। ये सरफेस की जो ये सरफेस होती है वो एयर की साइड में या आउटसाइड में एक्सपोज्ड होती है। ओके, या अपन कह सकते हैं इनको कि जो इंटरनल फ्लूइड की साइड में। ओके, अब अपन ने देखा कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स की जो लाइनिंग में और उनकी कैविटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनका फंक्शन क्या होगा, इनका फंक्शन होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बैरियर अगेंस्ट पैथोजेंस, इंजरी एंड डिहाइड्रेशन, है ना, ये अपन ने मैंने अभी आपको बताए भी थे थोड़े से। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ स्किन की सेल्स की बात करें, है ना, तो जो स्किन की सेल्स है एक्सपोज साइड से तो एयर के में जो पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं उनसे स्किन पर कोई इंजरी हो जाती है तो ये उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, स्किन को मॉइस्ट रखते हैं ये, है ना, मॉइस्ट रखने में भी हेल्प करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब मैंने आपको अभी बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू को अगेन थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कौन सी, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर, मेनली तो अपने को यही मिलती हैं, बट अपन देखें कि जो मैंने यहाँ पर कहा कि थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है तो अपन देखें इसमें कि अदर देन इसके टू टाइप्स और भी मैंने अभी आपको डिस्कस की थी यहाँ पर कि जो सीलिएटेड एपिथीलियम है और ग्लैंडुलर एपिथीलियम है, ये किसका मॉडिफिकेशन होती है मैंने अभी बताया था, ये क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर एपिथीलियल का ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं। ओके, नाउ स्क्वेमस, स्क्वेमस को अपन यहाँ पर देखें तो स्क्वेमस सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पर ले रहे हैं, वी विल टेक स्क्वेमस एपिथीलियल। तो स्क्वेमस एपिथीलियल जो होती हैं लॉट ऑफ फ्लेटेंट सेल्स होती हैं और ये ही स्क्वेमस एपिथीलियम को या स्क्वेमस सेल्स को फॉर्म करते हैं। जनरली इनकी शेप कैसी होती है, कुड बी हेक्सागोनल या पॉलीगोनल इन शेप हो सकती है।
और इनकी जो आउटर सरफेस या तो एयर के कांटेक्ट में होती है या किसी कैविटी के कांटेक्ट में होती है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था जो एक्सपोज साइड होती है इनकी, या तो वो एयर के कांटेक्ट में होती है या जब वो इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं, कैविटी में होती हैं, तो कैविटी के कांटेक्ट में होती हैं। इनकी सेल्स टाइटली पैक्ड होती हैं, मींस नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं, ये डक्ट में, ब्लड वेसल्स में, एल्वियोली में, इनकी लाइनिंग में मिल सकती हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्यों होता है? क्योंकि मींस ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं या ट्रांसफ़र करती हैं, बिकॉज एक ही लेयर में ये सेल्स अरेंज होती हैं, ये फ्लैटेंड होती हैं, सो डिफ्यूज़न में कन्वीनियंट होती हैं, है ना। जैसे अपन ने यहाँ पर पढ़ा, मैंने आपको बताया था, ये हेक्सागोनल भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं, इस तरह से अपन इनके शेप को यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नाउ अब अपन लेंगे, वी विल टेक क्यूबॉइडल सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स मींस, जैसे अपन क्यूब नाम से ही इसके अपने को आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये क्यूब शेप्ड होती हैं, तो क्यूब शेप्ड होती है मींस इस तरह का शेप इनका होता है। तो क्यूब शेप्ड मींस इनका फंक्शन क्या है? ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज सेल्स फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सम ऑफ द प्रेजेंट इन स्टमक, अदर देन इसके नेफ्रॉन की जो ट्यूबुलर पार्ट होता है उसमें भी ये क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे अपन ने, आपने ध्यान हो आपको तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने पीसीटी और डीसीटी आपको बताया था, तो उनमें मोस्टली ये क्यूबॉइडल सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब आते हैं अपन कॉल्यूमनर सेल। तो जो कॉल्यूमनर सेल्स हैं ये इलोंगेटेड पिलर लाइक होते हैं। इलोंगेटेड और अपन बोल रहे हैं और पिलर लाइक बोल रहे हैं, मींस इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, इस तरह से शेप में आपके नाम से ही पता चल रहा है ना, क्यूब्ड, क्यूबॉइडल मींस क्यू शेप्ड, स्क्वेमस मींस फ्लैट सेल्स, और कॉल्यूमनर में कॉलम टाइप से इनके बने हुए होते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ बेसमेंट में इनके सेल्स इस तरह से प्रेजेंट होता है। अब सो ये सेल्स सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डक्ट्स, कहना चाहिए ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन में ये प्रेजेंट होते हैं। मैनी टाइम्स जो क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर सेल्स, एपिथीलियम सेल्स होती हैं, ये मॉडिफाइड हो जाती हैं। देयर अकर्स द फॉर्मेट, कहना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना कि इनमें जब मॉडिफिकेशन होगा क्यूबॉइडल सेल्स में, तो इनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर हो जाते हैं, मतलब दिखने लगते हैं, ये कहना चाहिए इस तरह से। तो ये क्या है? अभी मैंने आपको एक दो टाइप एक्स्ट्रा बताए थे इनके, कॉल्यूमनर एपिथीलियम के और जो है क्यूबॉइडल एपिथीलियम के। तो जब इनमें इस तरह का मॉडिफिकेशन हो जाता है क्यूबॉइडल सेल्स में, तब अपन इनको बोलने लगते हैं क्या, सीलिएटेड एपिथीलियम या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। ओके, ऐसे ही अब इनका फंक्शन क्या होता है ये भी अपने को पता होना चाहिए, इनमें ये क्यों मॉडिफिकेशन होता है इनमें। सो स्टूडेंट्स, हियर जो सीलिया की फॉर्मेशन होती है, तो इसकी सेल्स को अपन यहाँ पर क्या कहने लगते हैं, सीलिएटेड एपिथीलियम कहने लगते हैं। इनका फंक्शन है, मेन इनका फंक्शन है मूवमेंट करवाना, मीन्स बॉडी पार्ट्स में जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसी तरह का जब मॉडिफिकेशन कॉल्यूमनर एपिथीलियम में देखा जाता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या ये जो सीलिया अपीयर हो जाते हैं इसमें मॉडिफाइड होकर, तब इनका फंक्शन क्या होता है इन कॉल्यूमनर सेल्स का? तो इनकी पोजीशन देखें तो ये कॉल्यूमनर एपिथीलियम प्रेजेंट कहाँ होती हैं, ये फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के टाइम पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है ना,
तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं। तो जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो दिस जाइगोट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द यूटेरस, और इस जाइगोट को यूटेरस तक ट्रांसपोर्ट करने में इनकी हेल्प कौन करता है? सीलिया करता है। और ये सीलिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये कॉल्यूमनर सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं जब ये सेल्स, तो ये वहाँ पर इनको ट्रांसपोर्ट करने में जाइगोट को यूटेरस तक हेल्प करती हैं। अलोंग विद दिस क्यूबोइडल एपिथीलियम जो होती है, ये जो मॉडिफिकेशन है, ये ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होती है, जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, इसमें मींस जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट होती हैं तो इनका फंक्शन क्या होता है? अब इनका फंक्शन होता है कि ये जो हम डस्ट पार्टिकल हमारे मतलब एयर के साथ हम इनटेक कर लेते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को ये वहीं पर क्या करती हैं? फिल्टर कर देती हैं। मतलब जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एटमॉस्फेयर से, उस टाइम पर उस ऑक्सीजन को ये फिल्टर करने में हेल्प करती हैं। नाउ वन थिंग इज़ दैट हियर क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर बोथ सेल्स कहना चाहिए सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, है ना। अपन बार बार यही पढ़ रहे हैं ना कि ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? सो जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं, किसके साथ साथ? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के साथ साथ, ठीक है ना। अब जब मैंने कहा कि इनमें डिफरेंस है तो एंड ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, है ना। वाइल जो कॉल्यूमनर एपिथीलियम है ये एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन करती हैं, ये नेफ्रॉन के मोस्ट ऑफ द पार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम जो ग्लैंड में भी प्रेजेंट होती है, नाउ स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू अबाउट दैट ग्लैंडुलर एपिथीलियम, मैंने एक टाइप और आपको यहाँ मेंशन कर रखा है और बताया भी था कि हम इसको भी डिस्कस करेंगे, किसको? ग्लैंडुलर एपिथीलियम को। सो मैनी टाइम्स क्या होता है, ये जो कॉल्यूमलर और क्यूबॉइडल होती हैं ये मॉडिफाइड होकर इस तरह से अपियर हो जाती हैं, इस शेप में ये अपियर हो जाती हैं जब इनमें मॉडिफिकेशन होता है। समटाइम तो इनका मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड होती हैं तो सीलिया इनमें अपियर आ जाते हैं, और समटाइम जब ये मॉडिफाइड होती हैं तो इस तरह की शेप में ये कहना चाहिए अपियर हो जाती हैं। अब ये शेप इस तरह के शेप में अपियर हो जाती हैं और सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देती हैं, किसका? म्यूकस का। म्यूकस का सिक्रीशन स्टार्ट कर देती हैं। सो जो ग्लैंडुलर एपिथीलियम सेल्स होती हैं इनको भी अपन ने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, अपन यहाँ पर मेंशन कर भी सकते हैं, सीलिएटेड सॉरी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर। ओके, इन टू कैटेगरीज में अपन ने इनको ग्लैंडुलर एपिथीलियम को डिवाइड किया है। क्यों किया है टू कैटेगरीज में? कि मींस जो यूनिसेलुलर मींस ओनली वन सेल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, मींस जो अपन ने ओनली वन सेल जो मॉडिफाइड होकर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस का फंक्शन परफॉर्म कर रही है तब अपन उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम। और जब वाइल अपन देखें तो लॉट ऑफ सेल्स एक साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसका? सिक्रीशन का, दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथीलियम। इस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ किस तरह से ये मल्टी सेलुलर बन जाती हैं, ये देखिए इस तरह से अपन इनको बहुत सारी चेन जैसी बना सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया अपना क्या? ग्लैंडुलर एपिथीलियम। अब एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का एग्जांपल अपन क्या ले सकते हैं? गॉबलेट सेल्स ले सकते हैं। दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन डियोडिनम, स्टमक या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक भी अपन यहाँ पर कह सकते हैं। और जो मल्टी सेलुलर हैं इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, इसकी सेल्स कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म करती हैं सिक्रीशन ऑफ सलाइवा का। ओके, नाउ ग्लैंडुलर एपिथीलियम की कहना चाहिए अपने को प्रेजेंट और एब्सेंस के बेस पर अगेन अपन इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन।
एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन को हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, सॉरी कर चुके हैं। तो ओनली अपन देखें इसमें कि कहीं कहीं तो ओनली वन मोर टाइप भी मिलता है, हेटरोक्राइन भी मिल जाएगा, मतलब जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करता है, इसका एग्जांपल सॉरी फंक्शन करता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में बताया था कि पैंक्रियाज इसका बेस्ट एग्जांपल है, किसका, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का फंक्शन परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम को भी प्रोड्यूस करता है या सिक्रीट करता है, और हार्मोन सम सर्टेन हार्मोन को भी ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने यहाँ ले लिया। अपन यदि एग्जांपल लेना चाहें तो इंसुलिन वगैरह का एग्जांपल भी ले सकते हैं यहाँ पर, है ना, ग्लूकेगॉन ये सिक्रीट करता है एंजाइम के लिए, ले तो अपन पेप्सिन वगैरह कुछ भी एंजाइम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये तो बात की अपन ने किसकी, ग्लैंडुलर एपिथीलियम की। वाइल अपन देखें ट्रिप्सिनोजन और मतलब बहुत सारे एंजाइम हैं जिनको अपन यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। एंडोक्राइन में भी अपन बहुत सारे हार्मोन को डिस्कस कर सकते हैं जो सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना। नाउ अब अपन लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है टिश्यू है कौन सा है अपना, कंपाउंड एपिथीलियल टिश्यू। तो कंपाउंड एपिथीलियल टिश्यू में अपन डिस्कस करें तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट कंपाउंड एपिथीलियम इज मल्टी लेयर्ड मीन्स स्ट्रेटा मीन्स स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। हियर अपन देखें डाइजेशन में, सॉरी डायग्राम में अपन ने पहले भी देखा था कि सिंगल लेयर की यदि हम बात करते हैं तो वो जाता है क्या, एपिथीलियल, बट नाउ वी विल डिस्कस मल्टी लेयर। तो मल्टी लेयर की बात करें तो जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया है, इसके ऊपर मैं और लेयर इस तरह से बना दूँ तो ये हो जाएगा क्या, कंपाउंड एपिथीलियल टिश्यू। क्योंकि जो सिंपल एपिथीलियल होता है वो तो सिंगल लेयर होती है प्रेजेंट उसकी, बट कंपाउंड एपिथीलियल में अपन बात कर रहे हैं मल्टी लेयर्ड की। तो जब मल्टी लेयर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टी लेयर्ड प्रेजेंट भी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये अरेंज होती हैं सेल्स इसमें कंपाउंड एपिथीलियल टिश्यू में। ओके, बट सो द सेल्स वुड बी प्रेजेंट इन मैनी लेयर्स एंड दीज लेयर्स विल बी हेल्प इन केमिकल सपोर्ट। मतलब जो सेल्स हैं जो ये मल्टी लेयर्ड हैं ये किस में हेल्प कर रही हैं, ये हेल्प कर रही हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में, मीन्स ये जो मैकेनिकल शॉक से बचाती हैं, जो शॉक लग जाता है ना उससे, मीन्स दीज सेल्स आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। इनमें एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन जो होता है वो एक तो होता ही नहीं है, और होता भी है तो बहुत मिनिमम होता है, और वो भी कहाँ होता है कि जो सेल्स इस बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं मतलब कि कॉन्टैक्ट में होती हैं, उन्हीं सेल्स में बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, मिनिमम क्वांटिटी में सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन ये परफॉर्म करती हैं। अब जो कंपाउंड एपिथीलियम को अपन ने टू कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया है इनको, ये देखें अपन यहाँ पर, ये यहाँ से आपको शायद थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे आप, यहाँ पर मैंने दिखाया स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथीलियम और ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथीलियम। तो यहाँ पर मैंने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है इसको, कौन कौन सी यहाँ पर अपन देखें तो फिर अगेन मैंने इनको कि जो स्ट्रेटिफाइड हैं इनको स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर में डिवाइड किया है, बट आपकी बुक में डायरेक्ट दिया होगा ये क्रेटिनाइज्ड और नॉन क्रेटिनाइज्ड, तो अपन डायरेक्ट इन्हीं की बात करते हैं। ये तो मैंने एक्स्ट्रा इसलिए मेंशन किया है कि आप लोग यदि नीट वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डीपली नॉलेज होना चाहिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो ये अपने को यहाँ पर टू ही मिलेंगे, क्रेटिनाइज्ड और नॉन क्रेटिनाइज्ड। तो क्रेटिनाइज्ड मीन्स क्रेटिन मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइबर, जिसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं उसको तो अपन क्रेटिनाइज कह देते हैं, और जो नॉन क्रेटिन है उनमें जो है वो फाइबर प्रेजेंट नहीं होते। नॉन क्रेटिन जिनमें फाइबर प्रेजेंट नहीं है तो लिप्स, कॉर्निया, बल्बा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो कंपाउंड एपिथीलियम है इस फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, कहना चाहिए अपने को इनटू स्क्वेमस अदर देन इसके क्यूबॉइडल कॉल्यूमनर भी कह सकते हैं, आ गई ना वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पर पहले ही एक्सप्लेन की थी।
तो इफ क्यूबर्डल एपिथीलियम है सो लुक लाइक दिस, जैसे अपन ने यहाँ पर बात की थी क्यूबर्डल है तो क्यू शेप्ड होंगे ये, बट मल्टी लेयर्ड होंगे, है ना। यदि अपन सिंपल एपिथीलियल की बात करते तो सिंगल लेयर्ड होता, बट यहाँ कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो ये मल्टी लेयर्ड क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होंगे इसमें, है ना। अब अपन ने देखा अदर देन इसके क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर एपिथीलियम भी हो सकते हैं, तो इफ यदि अपन ने क्यूबॉइडल की बात की तो वो इस तरह से दिखेंगे और लॉट ऑफ सेल्स अरेंज होती हैं इन लेयर्स में, दीज आर द फ्लेटेंड सेल्स, इट कैन फाउंड इन मेमोरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना, और मतलब इनकी लाइनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। और नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉल्यूमनर कंपाउंड एपिथीलियम, जब कॉल्यूमनर कंपाउंड एपिथीलियम की बात करेंगे तो इस तरह का इनमें अरेंजमेंट होता है। ये तो सिंगल लेयर बनाया था अपन ने, अब यहीं पर अपन इनका मल्टी लेयर्ड में बना लेंगे इस तरह से, क्योंकि कंपाउंड में सिंगल लेयर प्रेजेंट नहीं होती, मल्टी लेयर प्रेजेंट होती हैं, तो मल्टी लेयर में अपन मल्टी लेयर्स उनकी यहाँ पर फॉर्म करेंगे। ओके, इस तरह से ये मल्टी लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, इस तरह का अरेंजमेंट अपने को कॉल्यूमनर कंपाउंड एपिथीलियम में देखने को मिल जाएगा। और इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं, पेनिस में ये प्रेजेंट होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वन थिंग इज कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड एपिथीलियम, वो क्या है कि ये सब क्या करते हैं, इनका एक ही मेन फंक्शन होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, अब अपन ने देखा यहाँ, और पैथोजन से प्रोटेक्ट करना, है ना, तो ये अपना कंप्लीट होता है यहाँ पर कंपाउंड एपिथीलियम। नाउ मतलब ये पूरा अपना एपिथीलियल टिश्यू यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जिसके अपन ने टू कैटेगरीज देखी, सिंपल और कंपाउंड, फिर अगेन अपन ने इनकी और कैटेगरीज को यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ अपन देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू को अपन ने डिवाइड किया है किस किस में, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन थ्री कैटेगरीज में मेनली अपन ने इनको यहाँ पर डिवाइड किया है। अब नेम से ही इनके आइडेंटिफाई हो रहा है कि इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स का मेन फंक्शन होता है बॉडी के ऑल पार्ट्स को एक दूसरे से लिंक बनाना, मीन्स लिंकिंग कनेक्टिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, फाइबर, ये सब प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और कहना चाहिए दिस कुड बी सॉफ्ट इलास्टिन, कोलेजन फाइबर भी हो सकते हैं। दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स आल्सो सीक्रेट, अपन कह सकते हैं इनको पॉलीसेकेराइड्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस दैट फॉर्म द मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, इलास्टिन है, इन इलास्टिन है, इसी मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है कि वो कनेक्टिव टिश्यू किस टाइप का है। ओके, ये समझ में आ रहा है ना आपको, बिकॉज जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को यहाँ डिस्कस करेंगे देन वी विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू को मैंने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है यहाँ पर, मैंने तो यहाँ डिवाइड किया है अदर रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर, सपोर्टिव एंड फ्लूइड, फिर मैंने प्रॉपर को किया है लूज एंड डेंस में, और अपन देखें तो लूज को भी एडिपोज, एरियोलर और वाइट फाइब्रस या रेटिकुलेट भी कई जगह अपने को मिल जाता है, उसमें मैंने डिवाइड इनको किया है। नेक्स्ट अपन देखें तो सपोर्टिव को मैंने यहाँ पर कार्टिलेज और बोन्स में टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और कार्टिलेज को भी यहाँ पर अपन ने हाइलिन, फाइब्रोकार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज इन थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब अपन देखें तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू को रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और इररेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू इसमें डिवाइड किया है। चलो वन बाय वन अपन देखते जाते हैं। अब यहाँ अपन सबसे और यदि डायरेक्ट अपन देखें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट दे रखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड
लूज कहना चाहिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है, मैंने भी यहाँ मेंशन कर रखा है आपको, देखिए एडिपोज, एरियोलर एंड वाइट फाइब्रस टिश्यू या रेटिकुलेट टाइप टिश्यू, यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर रखा है। तो कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स, अपन ने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें सेल्स लूजली पैक्ड होती हैं, नेम से ही अपने को आइडेंटिफाई हो रहा है, इसमें भी टू टाइप्स की सेल्स की स्टडी अपन यहाँ पर करेंगे। हियर कहना चाहिए अपने को एडिपोज, एरियोलर एंड अदर देन इसके एक और टाइप मिलता है, इसको अपन या तो रेटिकुलेट टाइप भी कह देते हैं या वाइट फाइब्रस टिश्यू भी बोला जाता है। एडिपोज जो है कहना चाहिए अपने को टिश्यू फैट को स्टोर करता है बीनीथ द स्किन, बॉडी में जितने भी एनर्जी को स्टोर करने वाले पार्ट होते हैं वो एडिपोज टिश्यू ही हैं, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं। वाइटल ऑर्गन्स के सॉफ्ट पार्ट में सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं, और सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन एडिपोज का होता है यहाँ, हियर हम डिफरेंट टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं थोड़ा बेसिकली अपन देखें तो कहना चाहिए कि अपन डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स वी नो दैट द एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड वेसल्स में, हार्ट में, किडनी के अराउंड में ये प्रेजेंट होते हैं, ये शॉक से प्रिवेंट करते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोज, दे आर ओवल और राउंड शेप्ड भी होते हैं, इस तरह से अपन देखें कि इस तरह से भी ये प्रेजेंट होते हैं, ओवल और राउंड शेप प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ कॉल्ड इनके अपन इसका जब स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं एडिपोज टिश्यू की, तो इनका शेप कैसा होता है, ओवल या एंड राउंड शेप्ड भी हो सकता है। इनके अंदर अपन ने बात की थी ना अभी मैट्रिक्स की, स्पेशलाइज्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इट इज़ कॉल्ड एडिपोसाइट्स, मतलब इनके अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, ठीक है ना। तो जो एडिपोसाइट्स टाइप का इनमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और अपन कहें कि दीज आर सराउंडेड बाय सम स्मॉल ब्लड वेसल्स, दीज आर सराउंडेड सॉरी राउंडेड एंड स्पेरिकल शेप्ड ऑल्सो, है ना, दीज आर सराउंडेड बाय सम स्मॉल ब्लड वेसल्स, मतलब इनके सराउंडिंग में सम स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं एंड न्यूक्लियस ऑल्सो प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है ना। अब अपन ने देखा यहाँ पर कि जो राउंडेड एंड स्पेरिकल शेप्ड होते हैं, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये ब्लड को छोड़कर और मसल्स को छोड़कर दीज कनेक्टिव टिश्यू ऑल बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स अब अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कैटेगरीज की, एरियोलर। एरियोलर में दीज आर प्रेजेंट बीनीथ द अपने को कहना चाहिए स्किन, और इनका फंक्शन होता है कि ये स्ट्रक्चर फ्रेम करना, अब ये स्किन में प्रेजेंट हैं, इनका फंक्शन भी क्या है, ये स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं। अब अपन ने यहाँ मैंने बात की कि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और इसे कह रहे हैं अपन यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनमें, किन में, एरियोलर में मैक्रोफेजेस या फाइबर, कोलेजन, इलास्टिन या सम ब्लड वेसल्स, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये तो अपन ने यहाँ पर इन दोनों की बात कर ली। अब अपना आता है नेक्स्ट, यहाँ पर अपन लेंगे किसको लेंगे, यहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू को, क्योंकि यहाँ तक अपना ये कंप्लीट हो गया कौन सा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में देखें तो रेगुलर और इरेगुलर टू टाइप के यहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यहाँ मैंने फ्लो चार्ट में आपको मेंशन भी कर रखा है। तो रेगुलर टिश्यू में वाइट फाइबर्स एंड इसमें इंक्लूडेड हैं, तो कौन कौन से, इसकी मैंने कैटेगरी भी बताई थी आपको अभी रेगुलर की, टेंडन एंड लिगामेंट। तो टेंडन का मेन फंक्शन होता है ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करना, इनका मेन फंक्शन होता है, ये इनइलास्टिक होते हैं, और दीज आर
टफ इनमें जो कोलिजन फाइबर है वो पैरेलल टू ईच अदर होता है, बट जो इरेगुलर में लिगामेंट्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए ये एक बोन से दूसरी बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ मैं, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं इनमें जो रेगुलर टिश्यू होते हैं ये वाइट फाइबर्स होते हैं, और इनमें इंक्लूडेड हैं क्या, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन का फंक्शन होता है ये मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, इन इलास्टिक होते हैं, टफ होते हैं, कोलेजन फाइबर हैं जो पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। बट अपर इरेगुलर की बात करें तो ये लिगामेंट होते हैं, और लिगामेंट्स इलास्टिक होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए ये एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। दोनों का आपको अलग अलग समझ में आ रहा है, टेंडन मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वाइल अपन देखें वाइट फाइबर एंड येलो फाइबर में रिमेंबर हो तो ये टेंडन और लिगामेंट होते हैं, मतलब टेंडन को अपन बोलते हैं वाइट फाइबर और येलो फाइबर को लिगामेंट कह सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में अपन लेते हैं, इसमें टू टाइप्स के होते हैं ये, वैस्कुलर और स्केलेटन। यहाँ पर मैंने थोड़ा डिफरेंट लिख रखा है क्योंकि अपन दोनों टाइप से इसको स्टडी कर रहे हैं। तो वैस्कुलर में आ जाते हैं ब्लड और लिम्फ, एंड स्केलेटन में आते हैं कार्टिलेज एंड बोन। जो आपको इजी लगे वो मेथड आप, वो फ्लो चार्ट आप फॉलो कर सकते हैं इसमें से, ठीक है ना। तो स्केलेटन में कार्टिलेज एंड बोन्स आते हैं। नाउ ब्लड इज ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा है, ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए मैंने, आपने देखा होगा कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में मैंने ब्लड को और प्लाज्मा को रखा है, क्योंकि कई कई जगह पर इसी तरह से अपने को मेंशन मिलता है बुक्स, रेफरेंस जो बुक्स होती हैं उनमें। अब मैंने कहा कि जो ब्लड है ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, दैट हैज़ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, है ना। और लिम्फ, लिम्फ ऑल्सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बट इनकी लोकेशन इज डिफरेंट, है ना। ब्लड में ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, हीम मींस क्या होता है, ब्लड। इट हैज़ नो कोलेजन इलास्टिन फाइबर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस एक्सेट्रा। ब्लड में प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, किसमें, सर्कुलेटरी वाले पार्ट में, जब सर्कुलेटरी सिस्टम को अपन ने पढ़ा था उस टाइम अपन इनको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर ब्लड और लिम्फ को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको अगेन रिपीट नहीं करूँगी। आपको यदि इसको देखना है ना, इसके पार्ट को, तो आप सर्कुलेशन वाला मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स वो वाला जो पार्ट है उसमें आप इसको देख लीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको वापस से रिमाइंड हो जाएंगी चैप्टर 18 में जो दिया है, है ना। अब अपन देखते हैं वैस्कुलर, नाउ वी विल डिस्कस वैस्कुलर टिश्यू, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिम्फ। ये कलरलेस कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ नोड एंड पैचेज एंड कहना चाहिए अराउंड द बिलाई, वी ऑलरेडी नो दैट। स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ अपन ने देखा था सम ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं एंड लिम्फेटिक प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो अपन ने, मैंने उस टाइम बताया था आपको, जो लिम्फेटिक वेसल्स आर कॉल्ड ऑल्सो लैक्टियल वेसल्स। मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था उस टाइम पर मैंने एक ब्लाई का डायग्राम यहाँ आपको बनाकर शो किया था, उसमें बताया था कि इन ब्लाई के की वॉल में सम ब्लड वेसल्स एंड सम लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स को ही अपन लैक्टियल वेसल्स कहते हैं, और जो लैक्टियल वेसल्स होती हैं इनका मेन फंक्शन होता है ये सेल्स एंड टिश्यू से जो वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड वेसल्स तक पहुंचाने का काम करती हैं, इसीलिए इनको इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। लिम्फोसाइट्स इज ऑल्सो प्रेजेंट, इनका फंक्शन है फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, अपन ने उसमें बात की थी कि डिफेंस का काम करते हैं, और हार्मोन्स एंड मॉलिक्यूल्स कहना चाहिए अपन विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं, अलॉन्ग विद दिस ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, किसके, फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। इनका अपन कंपोजिशन देखें तो प्लाज्मा की तरह ही सेम होता है,
और डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ओनली प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों के कंपोजिशन में. इट हैज़ नो कलरफुल पिगमेंट. किसमें? प्लाज्मा में. ये कलरलेस होता है और प्रोटीन का कंपोजिशन भी इनमें ब्लड से डिफरेंट होता है. सो स्टूडेंट्स, अपना यहाँ पर ये कंप्लीट होता है क्या, ब्लड और लिम्फ. अब अपन लेंगे सपोर्टिव टिश्यू में अपन ने किसको लिया है यहाँ पर, कार्टिलेज एंड बोन्स को. तो सबसे पहले अपन बोन्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पर. इट इज़ ऑल्सो कहना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू. ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. इनका जो मैट्रिक्स है इज़ क्वाइट सॉलिड, दे ऑस्टियोसाइट्स. सो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ बोन देखें तो ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं इनका, ठीक है ना. तो बोन्स में अपन ने देखा यहाँ पर इस तरह से, अपन बोन का डायग्राम में दी यहाँ पर बनाऊँ, मैं बहुत शॉर्ट में बना रही हूँ. ये थोड़ा सा नैरो वाला पार्ट होता है इसका, है ना, और ये ब्रॉड होता है थोड़ा सा, ठीक है. अब अपन ने देखा कि ये दोनों तो इसके हेड रीजन होते हैं, है ना, और बोन में को ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करते हैं. स्ट्रक्चर को अपन ने यहाँ पर देखा, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और लोअर लिम्स को वेट को कैरी करता है. ये ऑल्सो कहना चाहिए अपने को ऑल स्केलेटन सिस्टम ही किस बोन से कंपोज्ड होता है. एक बार और मैं आपको बोन्स को स्टार्टिंग से समझाती हूँ, समझ में नहीं आया होगा आपको. इट इज़ ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू. ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. इनका जो मैट्रिक्स होता है क्वाइट सॉलिड होता है. दे हैव सम स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स. सो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ बोन को अपन देखें तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. दिस इज़ हेड रीजन दोनों साइड का, है ना, बोथ में. और बोन पर हमारी बॉडी का पूरा वेट होता है. अपने को मालूम है कि जो बोन्स हैं वही तो अपनी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. स्ट्रक्चर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं. लोअर लिम्स वेट को कैरी करते हैं एंड अपने लोअर लिम्स होते हैं ना, ये वेट को कैरी करते हैं. और अपन मतलब ओवरऑल अपन कह सकें तो ऑल स्केलेटन सिस्टम ही बोन से, जो बोन्स होती हैं उनसे कंपोज्ड होता है. इसके हेड रीजन को एपिफाइसिस एंड नैरो पार्ट इज कॉल्ड डायफाइसिस कहते हैं. इसको अपन सेंटर में जो नैरो रीजन होता है इट इज़ कॉल्ड येलो बोन. मतलब जो नैरो रीजन दिख रहा है आपको इसको येलो बोन मैरो बोलते हैं. बिकॉज दिस रीज़न में फैट स्टोर होता है इसीलिए अपन इसको येलो रीजन कहते हैं. और जो ऊपर नीचे अपने को रीजन दिख रहे हैं ये रेड रीजन होते हैं. इट इज़ कॉल्ड रेड बोन मैरो. सो बिकॉज इट हैज़ इरिथ्रोपोएटिक सेल्स. इरिथ्रोपोएटिक सेल्स मीन्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBC. RBC के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ जब हम एनाटॉमी ऑफ बोन्स को स्टडी कर रहे हैं तो इनके मिड में सम एलोंगेटेड स्ट्रक्चर इन बिटवीन प्रेजेंट होती है. यहाँ पर मैंने दिखाया ना, ये जो बोन्स का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसको अपन देखें, नैरो स्ट्रक्चर है. और इस नैरो स्ट्रक्चर में आप देखोगे सम एलोंगेटेड ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से, ठीक है, ओके. अब अपन ने इनका TS कट किया तो लाइक दिस. अपन ने फॉर एग्जांपल मैंने ये बोन को यहाँ से काट दिया और इसका TS कट करके इस तरह से मैंने यहाँ पर TS को शो किया कि इसका डायग्राम मेरे को ऐसा दिख रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है ना आप लोगों को. इस तरह का स्ट्रक्चर अपने को, इंटरनल स्ट्रक्चर इसको अपने को यहाँ पर सीन हो रहा है. तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में जो अंदर वाला पार्ट है, इनर पार्ट है, इसको तो बोलते हैं अपन एंडोस्टोमिया और बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं पेरिस्टोमिया, ठीक है. अब आपको, आप कहेंगे मैम ये गोल गोल जो कि अपने को यहाँ पर शो रहे हैं ये क्या है. तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो ट्यूबुलर नैरो पार्ट में जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं जब अपन इनको कट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इस तरह से ये ले लिए, है ना, ये मेरी बोन का स्ट्रक्चर है, उसमें ये मेरे ट्यूबुलर पार्ट है. अब मैं इसको कट कर रही हूँ तो
तो कट करने पर मेरे को ये ऐसा दिखाई देगा यहाँ से, है ना। तो ये ऐसे से ये गोले दिख रहे हैं ना, ये गोले इसी तरह से इसमें अरेंज होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, हेवर्सन, है ना, इनको हेवर्सन के नाम से अपन जानते हैं। और जो कैनाल हो गई वो क्या हो गई, हेवर्सन कैनाल। जो बोन्स में जो ट्यूबुलर पार्ट है, इनमें जो गोले मिल रहे हैं अपन को, दीज आर हेवर्सियन कैनाल। और सराउंडेड में इनके लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो जो ट्यूबुलर पार्ट हैं, ये एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। आप देखोगे इस तरह से ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, जिससे कि क्या होती है, इनमें जो ब्लड जो ब्लड सप्लाई होती है वो इजीली हो जाती है। और जब अपन इसकी बात कर रहे हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, तो इस कनेक्शन वाले जो ट्यूबुलर पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड बोल्ट्समैन्स कैनाल। ये क्योंकि एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम कर रही है, तो इसका फंक्शन क्या होगा मैन, इसके ही थ्रू जो ब्लड सप्लाई हो रही है, ये ब्लड सप्लाई में हेल्प करते हैं, है ना। जो मतलब इसी के थ्रू ऑल बोन्स की जो सेल्स होती हैं, इन तक न्यूट्रिशन सप्लाई हो जाता है। एक बार और समझा देती हूँ आपको कि अपन ने बोन्स का यहाँ पर TS काटा, TS काटने पर अपने को ये जो ट्यूबुलर पार्ट है वो इस तरह से शो होने लगता है, इस तरह से शो हो रहा है। तो मीन्स इनको अपन ने यहाँ पर क्या कहा, इन ट्यूबुलर को अपने को जो दिख रहे हैं, हेवर्सियल और हेवर्सियन बोल रहा अपन ने, और इनकी कैनाल को बोलेंगे अपन हेवर्सियल कैनाल। जो हेवर्सियन कैनाल है, ये इसके सराउंड, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये ट्यूबुलर पार्ट। तो जहाँ से ये कनेक्टेड होते हैं उसको अपन बोलते हैं कौन सी कैनाल, जिस ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं, बोल्ट्समैन कैनाल। और जब ये कनेक्ट हो रहे हैं तो ये सप्लाई ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं, और इसी के थ्रू ऑल बोन्स की सेल्स में जो न्यूट्रिशन की सप्लाई हो जाती है। तो नाउ स्टूडेंट्स, वी विल टेक कार्टिलेज। कार्टिलेज में अपन ने देखा, इट इज अ सेमी रिजिड एंड प्लीएबल फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कार्टिलेज कैसा है टिश्यू है, ये सेमी रिजिड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लेक्सिबल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। और द मैट्रिक्स इज नॉट डिपॉजिटेड विद कैल्शियम सॉल्ट्स एज इन द बोन। मतलब जैसे बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है ना उसके मैट्रिक्स में, ऐसा कार्टिलेज में नहीं होता। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज कॉन्ड्रियोसाइट्स, है ना। अब कार्टिलेज को अपन ने अगेन थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है यहाँ पर, कौन कौन सी, हाइलिन, फाइब्रोकार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। तो जो अपन यहाँ पर देखें, हाइलिन कार्टिलेज, इट इज़ प्रेजेंट इन द ट्रैकियल रिंग, मतलब जो ट्रैकिया होता है अपना, उसके रिंग्स में प्रेजेंट होती है, लैरिंग्स में प्रेजेंट होती है, और नेजल कैविटी में प्रेजेंट होती है। अब देखें अपन नेक्स्ट कैटेगरी इसकी, फाइब्रोकार्टिलेज। तो फाइब्रोकार्टिलेज, इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन, कहना चाहिए अपने को, वर्टीब्री, एडजेसेंट वर्टीब्री, और या फिर वर्टीब्रल कॉलम भी अपन जिसको कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट अपनी इसकी कैटेगरी आती है लास्ट, इलास्टिक कार्टिलेज, जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, इट इज़ प्रेजेंट इन, कहना चाहिए, एपिग्लॉटिस और यूस्टेशियन ट्यूब्स एंड पिन्ना ऑफ द ईयर। मतलब ईयर के पिन्ना में ये इलास्टिक कार्टिलेज टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज अपन ने यहाँ पर देखा एपिथीलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो एपिथीलियल में अपन ने सिंपल कंपाउंड, फिर अपन ने इनकी अगेन और कैटेगरीज को यहाँ डिस्कस किया, ऐसी अपन ने कनेक्टिव टिश्यू में अपन ने डिस्कस किया, यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें भी अपन ने यहाँ पर फिर यदि उस तरह से देखें तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इनको अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। इनकी अपन ने जो सब कैटेगरीज डिस्कस की थी उसमें देखें तो एडिपोज, एरियोलर और वाइट फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू थे वो किसकी कैटेगरी थी, लूज कनेक्टिव टिश्यू की। तो अपन ने डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर और इरेगुलर टाइप को पढ़ा था, रेगुलर में अपन ने पढ़ा टेंडन और लिगामेंट्स को, ओके। ये आप सब लोगों को आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में अपन ने पढ़ा था कार्टिलेज एंड बोन्स को डिस्कस किया है,
और ब्लड एंड लिम्फ को अपन ने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जो है डिस्कस किया था। अब अपने पास बचती है नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब यदि आपको थोड़ा सा भी कोई इस चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग मेरे से जो प्रॉब्लम है वो अपनी मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।